आज आपको बताने वाले हैं ऐसे स्टोरी राइटर के बारे में जिन्होंने सुपर से भी ऊपर की स्टोरी लिखकर कई सारी मूवीज को ब्लॉकबस्टर बनाया है। उनका नाम है केवी विजेंद्र प्रसाद, जो कि हिंदी सिनेमा के महान राइटरों में से एक हैं, जो कि फेमस साउथ डायरेक्टर एसएस राजामौली के पिता हैं। केवी विजेंद्र प्रसाद न ही सिर्फ साउथ बल्कि बॉलीवुड की कई फिल्मों की कहानी लिख चुके हैं। हाल ही पे बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती हुई फिल्म RRR की कहानी भी इन्होंने ही लिखी है। बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन जैसे हिट मूवीज की कहानी भी इन्होंने ही लिखी है और सल्लू भाई की फिल्म बजरंगी भाईजान की कहानी भी इन्होंने लिखी थी और फिल्म मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी और थलाइवी और अक्षय कुमार की फिल्म रावड़ी राठौर की कहानी भी इन्होंने ही लिखी है। और केवी विजेंद्र प्रसाद ने 2011 में तेलुगु फिल्म रजाना डायरेक्ट की थी। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट फीचर फिल्म का नंदी अवार्ड भी मिल चुका था। वैसे दोस्तों, आपको इनमें से सबसे अच्छी स्टोरी कौन सी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना।